तरफ से जो मीरा साहिब में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया है उसे किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो सबसे पहले आप मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ तो आप लोगों की वजह से काम होते हैं, जो अपनी आप वीडियो बना के चलाते हो उसी के वजह से भी काम कुछ अचानक से जल्दी से हो जाते हैं। इसी तरह जैसे आपने सोहन भाई जी ने बताया हमें कि मीरा साहब में बहुत अतिक्रम जो हटाया गया है, उससे मैं मीरा साहब SHO की और मीरा साहब SHO जाहिर खान की सराहना करता हूँ कि जिन्होंने ये अतिक्रमण हटाने में बहुत अपना सहयोग दिया है। और SP हेडक्वार्टर के अंडर और DSP SDPO आरसपुरा के अंडर जो काम हुआ है, इसमें हमारे SDM आरसपुरा और तहसीलदार का भी काफ़ी सहयोग रहा है जिनके ऑर्डर पे हुआ है। तो और SHO ने उनको उस ऑर्डर को जो इम्प्लीमेंट किया बड़े अच्छे तरीके से, ये अतिक्रमण हटाया है। तो ऐसा ही जो बाहरी राज्य से आए हुए हैं इनको बाहर किया जाए तो वही बात बनेगी, ताकि ये जो हमारे शहर में आधा बिजनेस तो ले चुके हैं, बिजनेस तो शहर में रहा ही नहीं, जितना बिजनेस है उनका भी आधा शेयर इन बाहरी राज्यों वालों का हो गया हुआ है। हम भी जो अपने जो आरसपुरा के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप अपना खुद से काम करें, खुद काम करें, ताकि बाहरी राज्य से जो आए हुए हैं इनको मौका ना दें, जो पैसे कमा के जो बाहर लेके जाते हैं वो हमारे आरसपुरा में रहें, वो हमारे आरसपुरा में रहे। हम और पुलिस को भी हम यही बताना चाहें, मैसेज देना चाहते हैं, जो जितने भी आरसपुरा में भी जो है जितनी भी दुकानें हैं जहाँ फड़ियाँ लगी हुई हैं, रेड़ियाँ लगी हुई हैं बाहरी राज्य से, तो उनका जो वेरिफिकेशन करवाया जाए, उनकी जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि इतनी इतनी वारदातें होती ही हैं, क्या पता कौन इन्वॉल्व है इसमें, इनका कोई पता थोड़ी है कौन इन्वॉल्व है, हम कौन सा जानते हैं इनको, भाई पर्सन बाहर से कौन आया है कौन नहीं आया। आज एक आता है उनके साथ चार वो साथ लेके आते हैं, तो कोई पता नहीं लगता इनका कि कौन आया है कौन नहीं आया इनके साथ। पुलिस को भी हम यही कह रहे हैं इनकी वेरिफिकेशन कराई जाए, थाने में इनका रिकॉर्ड रखा जाए। तो इसी के साथ हम जय हिंद जय भारत।